सो हे गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पॉलीगॉन मैटिक के बारे में। जी हाँ गाइस, मार्केट बहुत ज्यादा पैनिक चल रही है। आप देख सकते हो पॉलीगॉन मैटिक का प्राइस 94 रुपीज चल रहा है। मतलब जो प्राइस अभी आप दो दिन पहले देख सकते थे, इसका प्राइस 137 चुका आया था और ये अब 94 रुपीज चल रहा है। मतलब के 45 रुपीज डाउन और 15% ये माइनस में चल रहा है। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? पॉलीगॉन मैटिक ही नहीं, यहाँ पर अगर बात की जाए पूरी मार्केट यहाँ पर डाउन जा रही है और ये आखिर हो क्यों रहा है, तो वो कारण मैं आप लोगों को बताऊंगा और ये कब तक रहने वाला है, ये सब चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होगी। तो यहाँ पर बात करने वाले पॉलीगॉन मैटिक के बारे में। तो गाइस, कहीं ना कहीं अभी पॉलीगॉन मैटिक जिस लोगों ने अभी बाय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल लेंगे आगे को चलकर, और बहुत सारे लोग शायद इस टाइम लॉस पर होंगे बिकॉज काफ़ी अच्छा एक प्राइस यहाँ पर पंप हुआ था। जैसे एक न्यूज़ भी आई थी कि पॉलीगॉन मैटिक अभी $2.56 तक जाएगा, तो वहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप बन गई थी पॉलीगॉन मैटिक की। तो उसके बाद से जो ये यहाँ पर बिटकॉइन ने एक क्रैश दिया है $52,000 को टच करने के बाद, ऑल टाइम टच करने के बाद उसने एक बिल्कुल डाउन ब्रेक जो लिया है, कहीं ना कहीं वहाँ से मार्केट एक बहुत ज़्यादा क्रैश हो गई। आपको पता है बिटकॉइन मार्केट का राजा है और जब वो अगर 10% भी डाउन होता है तो बाकी जितने भी अल्ट कॉइन्स होते हैं वो 30% 40% डाउन जाते हैं। जैसा अभी आप देख सकते हो ADA भी बहुत ज़्यादा डाउन गया है सारे ही कॉइन, जबकि ADA का 12 तारीख को इवेंट आ रहा है बट उसके बाद भी यहाँ पर ADA डाउन दिखा। तो ये सब कुछ बिटकॉइन से रिलेटेड अभी यहाँ पर चल रहा है और ये सब हुआ है एल सेल्वाडोरो के चलते। एक कंट्री है यहाँ पर, उसने अभी क्या किया है, वो उसने कल बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया है राष्ट्रीय करेंसी एज ए करेंसी यहाँ पर। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये मार्केट में इतना ज़्यादा पहले हाइप बन गई वहाँ पर, और कहीं ना कहीं मार्केट को ये मैनुपलेट किया गया है मार्केट में मैनुपलेशन एकदम से, वरना कभी आज तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतना ज़्यादा कभी इतना ज़्यादा डाउन गया है। एक ही 2-3 मिनट के अंदर मार्केट इतना ज़्यादा ब्रेक हुआ, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैनुपलेशन हुआ है मार्केट के अंदर और बहुत ही ज़्यादा तगड़ी गिरावट यहाँ पर मार्केट के अंदर की है। तो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाले हैं उनको काफ़ी अच्छा लॉस यहाँ पर हो गया है कल, जो वो 2-3 दिन से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी एक अच्छा लॉस हो गया। अच्छा कह रहा हूँ मैं भी गाइस, बहुत ही तगड़ा वाला लॉस हो गया। तो इसलिए कहता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग एक बहुत ही रिस्की है, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, मैंने भी इन्वेस्ट करके रखा है, तो अभी कोई ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मार्केट पैनिक होती रहती है, अभी 93 पर आ चुका है, तो कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। मार्केट में फिर से हाइप बनेगी, फिर से मार्केट ऊपर जाएगा, उस वक्त आप इसको बाय कर सकते हो। कहीं ना कहीं पर जो $2.56 का टारगेट है उसको भी पॉलीगॉन मैटिक जल्द ही टच करेगा। सो यहाँ पर अभी जो भी है, अभी आप लोगों को यहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत है और जो बाय कर सकते हैं वो बाय करें, अभी और मार्केट डाउन जाएगी, बहुत ज़्यादा क्रैश हो सकती है अभी भी। सो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और जैसे ही कोई न्यूज़ निकल के आती है हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।